देखना है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में देखना है तो हमें देखना है सबसे पहले टेम्पोरल लोब। जिस डायरेक्शन में टेम्पोरल लोब होगा, ये टेम्पोरल लोब है, जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में इसका फ्रंट पार्ट है, यानी ये फ्रंट साइड पे रखना है तो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। इसके बाद इसके बॉर्डर्स देखने होंगे। बॉर्डर्स में सबसे पहले ये हो गया सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, दिस इज सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, इट इज इंफीरियर मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, इंफीरियर मीडियल बॉर्डर एंड इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर। इसके तीन बॉर्डर्स होते हैं, वन इज सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, इन्फीरियर मीडियल बॉर्डर एंड इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर। अब इसके तीन सर्फेसेस होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। द सर्फेस विच इज बिटवीन द सुपीरियर मीडियल बॉर्डर एंड द इन्फीरियर मीडियल बॉर्डर इज द मीडियल सर्फेस। द सर्फेस विच इज बिटवीन द सुपीरियर मीडियल बॉर्डर एंड द इन्फीरियर लेटरल सर्फेस, इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर इज द लेटरल सर्फेस। एंड द सर्फेस विच इज बिटवीन द इन्फीरियर लेटरल एंड द इन्फीरियर मीडियल इज द इन्फीरियर सर्फेस, इन्फीरियर सर्फेस। ठीक, इसके बाद हमें देखने पड़ेंगे इसके मेजर सल्काई एंड गायरस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो है, ये इसका सेंट्रल सल्कस है जो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ जो सबसे बड़ा सल्कस है ये सेंट्रल सल्कस है, यहाँ दिस इज द सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस। और इसके बाद सेंट्रल सल्कस ही इसको चार सेंट्रल सल्कस से हम इसको लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आगे वाला लोब है ये है फ्रंटल लोब, उसके बाद यहाँ तक जो लोब है सेंट्रल सल्कस के बाद जो लोब है यहाँ, दिस इज द पैराइटल एंड दिस इज द ऑसिपिटल लोब। हियर हमारे पास एक बड़ा सा सल्कस देखने को मिलेगा, दिस हेयर ये वाला जो सल्कस देखने को मिलेगा दिस इज लेटरल सल्कस। और लेटरल सल्कस एक अलग से लोब बनाता है, दैट इज द टेम्पोरल लोब, दिस इज द टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ठीक, ऑसिपिटल लोब वाला फिगर है, ये वाला है ऑसिपिटल लोब, फिजर फिजर कह रहा ऑसिपिटल का डिवीजन, सारे सारे बताएंगे हम। सेंट्रल सल्कस ये वाला जो सबसे बड़ा सल्कस है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और उसके बाद यहाँ लेटरल सल्कस के साथ मिल रहा है। यहाँ देखो एक ही सल्कस है जो यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहा है, यही सेंट्रल सल्कस है जो कहाँ से, जो इस फिशर से सुपीरियर सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर से जो यहाँ तक जाता है लेटरल सल्कस तक, उसे सेंट्रल सल्कस कहा। अब इसमें फ्रंटल लोब में कितने सल्कस है, तीन है, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, मिडल फ्रंटल सल्कस एंड इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। तो इसमें तीन सल्कस देखने को मिलेंगे हमें, एक सुपीरियर फ्रंटल सल्कस देखने को मिलता है, एक मिडल फ्रंटल सल्कस और एक इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, तीन सल्कस। ठीक, सुपीरियर मिडल दिस इज द फ्रंटल, दिस इज द सुपीरियर फ्रंटल एंड मिडल फ्रंटल एंड इंफीरियर फ्रंटल। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे टेम्पोरल, टेम्पोरल में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा आपको सुपीरियर टेम्पोरल फिशर, उसके बाद मिडल मिलता है और उसके बाद इंफीरियर टेम्पोरल फिशर, तीन फिशर इसमें भी मिलते हैं, तीन इसमें भी मिलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ जब हम देखते हैं सेंट्रल के बाद जो है यहाँ पर एक फिशर मिलता है, दैट इज द पोस्ट सेंट्रल फिशर, और उसके बाद यहाँ पर मिलेंगे हमें ये वाला फिशर, इस सॉरी किताब पे देखते हैं इस फिशर पे वो चार्ट दिया गया है, इस सल्कस के साथ कंटिन्यू होता है ना, ये पोस्ट कैलक्राइन सल्कस के साथ ही कंटिन्यू होता है सल्कस, इट इज पोस्ट कैलक्राइन सल्कस, इसके साथ ही कंटिन्यू होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्या सल्कस था, लूनेट सल्कस, और लूनेट सल्कस ही पोस्टीरियर लोब को अलग करता है, यहाँ कैलक्राइन सल्कस कंटिन्यू हो जाता है लूनेट सल्कस और उसको अलग कर देगा। ठीक, इसके बाद अंदर अंदर के जाने में हमें देखने पड़ेंगे सल्कस, वो थोड़ा सा चार्ट खुला के रखना, कार्पस कैलोसम के ऊपर कौन सा सल्कस होता है, ये थे जिन्होंने पढ़ा बहुत
जहाँ पे जगह ही नहीं है, यहाँ पर जो सल्कस है तीन सल्कस मेजर याद ये ऊपर वाला सल्कस दिस इज कैलोजल सल्कस, कैलोजल के ऊपर है सिंगुलेट, सिंगुलेट के नीचे यहाँ पर कैरकलाइन सल्कस। इसके बाद इंटीरियर सर्फेस पे जो सल्कस मिलेंगे उनको हमें देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले जो सल्कस देखने को मिलेगा उधर भी पड़े हैं वैसे इसपे अच्छा दिखने वाला, इसमें जो ये वाला सल्कस देखने को मिलेगा हमें पहला ऑल्फैक्टरी सल्कस, ये एच शेप्ड सल्कस होता है यहाँ पर, तो ऑल्फैक्टरी दिखता था अभी जल्दी कर इसमें देख ली इसमें दिखा इसमें आधा एज दिखेगा नहीं क्या मिला के दोनों एज बनाते हैं कि क्या है ये देखो ये पहला सल्कस है यहाँ दिस इज एज शेप्ड सल्कस देखो ये यहाँ से यहाँ से बाई क्या ये है ना यहाँ से और यहाँ इसका यहाँ से एक और होता है वो टूट गया है इसका तो ये पहले बनता है यहाँ पर एज शेप्ड सल्कस। इसके बाद यहाँ यहाँ पास में ये वाला सल्कस ये जो यहाँ दिख रहे हैं दिस इज अ पैरा हिप्पोकैम्पल सल्कस ये वाला पैरा हिप्पोकैम्पल सल्कस दिस इज द पैरा हिप्पोकैम्पल सल्कस। तो यहाँ जो ये छोटा वाला सल्कस देखने को मिलेगा दिस इज द राइनल सल्कस और बस इतने ही मेन सल्कस।